सोमवार को कश्मीर के पंपोर इलाके में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया था। बाईपास के तंगन हाईवे के नजदीक आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि उपचार के दौरान 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में माइनिंग बंद होने पर बीजेपी नेता सुखनंदन चौधरी ने एलजी सरकार से नाराजगी जाहिर की है। सुखनंदन ने कहा है कि माइनिंग बैन से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने विभाग पर यह भी आरोप लगाया कि अवैध माइनिंग विभाग के लिए कमाई का जरिया बन गई है। उधमपुर अस्पताल में सुविधाएं न मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़े अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि अस्पताल में सीटी स्कैन और डिजिटल को बंद कर दिया गया है, ताकि बाहरी क्लिनिक वालों को फायदा पहुंचाया जा सके। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की सिलेक्शन लिस्ट पर अब सियासत गर्मा गई है। सोमवार को एग्जिट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए लिस्ट को कैंसिल किया जाए। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आतंकियों की घर वापसी पर सरकारी नौकरी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सोमवार को राजपूत कर्णी सेना ने एलजी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार से जम्मू संभाग में भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग ने ईविन सर्विस को लॉन्च कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक अब दूरदराज के इलाकों में टीकाकरण करने वाले अपने स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं, ताकि उन्हें स्टॉक की कोई परेशानी ना हो। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की तैयारी में है। एक निजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस पर करीब 212 करोड़ रुपए का खर्च होगा। चीन के एलएसी पर विवाद के बीच वायुसेना प्रमुख ने कड़ा संदेश दिया है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, टू फ्रंट वॉर के लिए भी और पारंपरिक युद्ध के लिए भी। जेकेपीएम के अध्यक्ष फिरोज पीरजादा ने सोमवार को 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा न देने पर सरकार को आड़े हाथ लिया। फिरोज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4G सेवाएं देने से लगातार इनकार करना जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ के लोगों के लिए सामूहिक सजा देने जैसा बन गया है।